गुड मॉर्निंग दीपाली. आज एविएशन स्पेस तो फोकस में रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा काफी सारी फार्मा कंपनीज भी हैं जहां पे न्यूज फ्लो है. लेकिन यहां बात करते हैं वकहार्ट की. खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी की 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है एनसीडी के जरिए, और उस रकम को जुटाने के लिए कंपनी ने शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी है. तो देखना होगा यहां पर किस तरह के अपडेट्स निकल कर आते हैं. श्रीराम ईपीसी, ये आज स्टॉक भी फोकस में रहेगा. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कंपनी ने अब एंट्री ले ली है और कंपनी को पलानी टेम्पल रोपवे की तरफ से ऑर्डर मिला है. करीब 70 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो यहां पर कंपनी के लिए. भारतीय एयरटेल, यहां पर काफी समय से खबर आई थी भारतीय इंफ्राटेल में स्टेक बेचने की, और अब ये खबर आ रही है कि कंपनी अब ओपन है मेजॉरिटी हिस्सा बेचने के लिए, और जिसके जरिए कंपनी इस हिस्सा बिक्री के जरिए कंपनी के ऊपर जो 1400 करोड़ डॉलर का कर्ज है उसको काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी भारतीय एयरटेल को. ओम मेटल, यहां पर भी एक पॉजिटिव खबर आती हुई, स्टॉक आज फोकस में रहेगा. कंपनी ने सिनेप्लेक्स डिवीजन में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जिसके इस खबर के पहले कल भी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, और आज भी उम्मीद की जा रही है कि इस खबर के चलते एक अच्छा अप मूव स्टॉक में देखने को मिल पाएगा. और आखिर में बात करते हैं शोभा लिमिटेड की. कंपनी ने अपने सेल्स बिक्री के नंबर्स जारी किए हैं. जो वॉल्यूम आया है कंपनी का वो इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है. कंपनी के जो कॉमेंट्री आई है वो भी काफी पॉजिटिव है, और कुल बिक्री इस बार 513 करोड़ से बढ़कर 623 करोड़ की कंपनी ने साल दर साल पोस्ट किए, तो काफी अच्छे नंबर्स वॉल्यूम्स के फ्रंट पर. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इन सभी स्टॉक्स पर आप ध्यान दें. शोभा लिमिटेड जहां पर सेल्स नंबर्स आए हैं उस पर भी ध्यान रहेगा.